व्यूअर, आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें हमने डिजाइन किया एक रिजॉर्ट और ये रिजॉर्ट बनाया गया, इसकी प्लानिंग की गई है ऑटोकैड में और इसका 3D बनाया गया है स्केचअप में एंड जो सॉफ्टवेयर इसका रेंडर के लिए यूज किया गया है वो है डीफाई रेंडर। एंड आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे प्लानिंग है एंड कैसे इसका 3D बनाया गया है। तो ये जो प्लानिंग की गई है ऑटोकैड में, इसको मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। ये मेरे पास 6000 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसमें कुछ पोर्शन इन्होंने रखना है आपकी रेस्टोरेंट और बार एरिया के लिए और कुछ पोर्शन में हमारे यहाँ पे आउटडोर सिटिंग, गजीबो और कॉटेज, इस तरह से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें एंट्री बाउंड्री हो रखी थी यहाँ पे प्रोजेक्ट में और इसमें यहाँ पे गेट लगा हुआ है, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, वी हैव ओनली दिस एरिया फॉर बार एंड सिटिंग रेस्टोरेंट एंड इधर वाला एरिया जो है वो हमारा पूरा आउटडोर सेक्शन की तरह डिजाइन होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एंटर करते हैं, एंटर करते ही हमें यहाँ पे एक यहाँ पे बुद्ध का जो म्यूरल है वो चीज़ यहाँ पे रखनी है वाटरफॉल के साथ में, तो हमने कुछ यहाँ पे प्लेस किया है। उसके बाद ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोन का एरिया डिजाइन किया गया है, स्टोन से पूरा पाथवे बनाया गया है। उसके साथ में ये ग्रीन एरिया है, ग्रास के पूरा फील्ड यहाँ पे ग्रास का डेवलप किया गया जाएगा एंड इसके साथ में ये आप देख सकते हैं कैनोपी सिटिंग यहाँ पे दे रखी है 4-3 और ये अपना यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। स्विमिंग पूल के किनारे आप शैक इस तरह से हम यहाँ पे अरेंज करेंगे एंड फिर आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेयर्स के चढ़ने के बाद आपको एक कॉटेज मिल रहा है। कॉटेज में आपका ओपन रेस्टोरेंट टाइप का ये यहाँ पे डिजाइन करना है हमें। इसकी लेंथ और विड्थ भी आप देख सकते हैं, एक ठीक ठाक डायमेंशन में आपको यहाँ पे मिल रही है चीजें। तो ये इसकी लैंडस्केपिंग की डिटेल थी जिसको हमने पूरा प्लान किया है ऑटोकैड में। अब मैं आपको इसका 3D दिखाती हूँ विच इज प्रिपेयर्ड इन गूगल स्केचअप। स्केचअप में अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ एंट्रेंस है जो कि गेट वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था। आगे आप बढ़ेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे आपका बुद्धा का जो म्यूरल मैंने यहाँ पे लगाया गया है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें मटेरियल वगैरह सारी चीजें हम D5 रेंडर में ही लगाएंगे बिकॉज D5 रेंडर की मटेरियल क्वालिटी काफी अच्छी है, आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये आएगा। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कैनोपीज लगी हुई है, ये हमारा पाथवे है जो कि कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है, इसमें साथ में लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम ये हमारा लगा हुआ है। देन आपका यहाँ पे आपका पूरा स्विमिंग पूल का एरिया है, देन इधर यहाँ पे एक चेंजिंग रूम यहाँ पे बनाया गया है, रेस्ट रूम भी इधर डिजाइन किया गया है, वह ये शैक बनाए गए हैं आप देख सकते हैं इस तरह से, कैनोपी पोर्शन और साथ में यहाँ पे चढ़ने के बाद आपका 2-3 स्टेप चढ़ के आपका ये मिलता है आपको रेस्टोरेंट का। यहाँ पे चारों तरफ से ओपन है, ओनली ये गजीबो का जो रूफ पोर्शन है वो यहाँ पे डिजाइन किया गया, बाकी सब कुछ यहाँ पे ओपन है। और जो हमारा बनाया गया है इसमें जो रेस्टोरेंट बार पोर्शन था जो स्टे करने के लिए ऊपर इसके डिजाइन किया गया है, उसको हमने कुछ इस तरह से विंटेज थीम पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स चढ़ करके और आपको अंदर कुछ इस तरह से मिलेगा। इसके इंटीरियर भी बनाए गए हैं, इंटीरियर की मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको मैं इंटीरियर दिखाऊंगी कि इंटीरियर कैसा लग रहा है उसका। तो ये हमारा एक्सटीरियर डिटेल था, लैंडस्केपिंग डिटेल था जिसको हमने आपको दिखाया। ये आपका प्लान किया गया है स्केचअप में। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन D5 रेंडर सॉफ्टवेयर जिसमें हमने मटेरियल अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग द मटेरियल हाउ इट इज लुकिंग। तो ये देखिए, ये अपना एंट्रेंस है जो मैंने आपको दिखाया था। एंट्रेंस के सामने आपको यहाँ पे बुद्धा का प्लेस दिख रहा है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने सिटिंग एरियाज हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से सिटिंग एरियाज आ रहे हैं एंड यहाँ पे आपका स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के साथ में शैक है। ये लाइटिंग्स कुछ इस तरह से स्ट्रीट लाइट का लुक दिया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है एंड ये कॉटेज भी आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है एंड रॉ स्टोन फिनिश पे सारी फिनिशिंग रखी गई है सो दैट ये आपका रफ लुक आए थोड़ा सा अच्छा और विंटेज टाइप का ये लुक हमने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका एलिवेशन कैसा आ रहा है फ्रंट से। ये तो आपका नाइट व्यू था जिसमें हमने HDRI लगा के रखा हुआ है, आप चाहे तो डे में इसको देख सकते हैं एक बार कि डे का लुक कैसा आएगा, बट वो जो HDRI वाला लुक रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देखने में लगता है, देखने में ज्यादा खूबसूरत लगता है एंड यू कैन चेंज द टाइम फॉर डिफरेंट व्यूज।
ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसमें मटेरियल और सारी चीजें लगाई हुई हैं। HDRI लगाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा पूरा बैकग्राउंड इसमें मिलता है। ये आपका मटेरियल इसमें सारे कैसे लग रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा कैसा लग रहा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसकी फाइनल वीडियो, जो कि तैयार हो गई है हमारी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो हमारा ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग सर्विसेज भी दी जाती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।